नमस्ते, मैं हूँ ज्योति, मेरी उम्र है 60। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। योगा के सबसे जरूरी आसन में से एक है अधोमुख श्वान आसन। इसे इंग्लिश में कहते हैं डाउनवर्ड डॉग। ये आसन योगा के शुरुआती आसन में से एक है। इस आसन के कई फायदे हैं, जैसे मसल्स और हड्डियाँ मजबूत होती है, सर्कुलेशन बढ़ता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं और शरीर में ताकत बढ़ती है। लेकिन इस आसन से पहले वार्म अप जरूरी है। पहले हम करेंगे 3 वार्म अप एक्सरसाइज, फिर करेंगे बेसिक डाउनवर्ड डॉग और फिर 3 वेरिएशन। इनके टाइम स्टैम्प नीचे है। वीडियो एंड तक जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको और वीडियोस देखने हैं कॉर्नर में क्लिक करें। याद रखें, आप रह सकते हैं हर उम्र पे फिट। वार्म अप शुरू करेंगे कैटकाउ पोज से। चटाई पे घुटनों के बल बैठ जाएं, फिर आगे आ जाएं और अपने हाथों पे भी वजन डाल दें। आपके कूल्हे घुटनों के सीधे ऊपर होने चाहिए और हथेलियां जमीन पे कंधों की दूरी पर। कोहनियां नहीं मोड़नी है और अपनी कमर सीधी रखें। अब लंबी सांस अंदर लेते हुए अपना सिर और सीना ऊपर की ओर करें। कुछ सेकंड तक ये पोज बनाए रखें। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें और कंधे गोल करते हुए अपने सिर को अंदर सीने की ओर ले जाएं। थोड़ी देर होल्ड करें और 2 से 3 बार दोहराएं। कैटकाउ पोज से आपकी रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है। अगला वार्म अप है सपोर्टेड ब्रिज पोज। चटाई पे सीधे लेट जाएं। अब दोनों घुटने मोड़ते हुए पैर कूल्हों के पास ले आएं। लंबी सांस लेते हुए अपने कूल्हे जमीन से उठा लें। सपोर्ट के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पोज से आपका पोस्चर सही होगा और सांस गहरी ले पाएंगे। ब्रिज पोज से आपकी हैमस्ट्रिंग्स मजबूत होगी, जिससे डाउनवर्ड डॉग करने में आसानी होगी। तीसरे वार्म अप के लिए किसी दीवार, खंबे या पेड़ के सामने 2 से 3 फुट की दूरी पे खड़े हो जाएं। अब धीरे धीरे कूल्हों को मोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं, जैसे आपके पैरों और ऊपरी शरीर के बीच 90 डिग्री का एंगल हो। घुटने ना मोड़ें और कमर भी सीधी रखें। इस स्ट्रेच को 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। इससे आपकी पैरों की मांसपेशियां और कूल्हों के जोड़ डाउनवर्ड डॉग के लिए रेडी हो जाएंगे। डाउनवर्ड डॉग करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं। अब धीरे धीरे कूल्हों से आगे की ओर झुकें और दोनों हाथ जमीन पे कंधों की दूरी पे रख दें। अब हाथों को आगे की ओर दूर ले जाएं। पैर जमीन पे फ्लैट होने चाहिए और उनके बीच कंधों जितनी दूरी रखें। घुटने ना मोड़ें। पैरों की तरह रीढ़ की हड्डी भी बिल्कुल सीधी रखनी है। अपने सिर को घुटनों के लाइन में रखें और इस पोज को 10 से 15 सेकंड्स तक होल्ड करें। अब हाथ अपने पैरों की ओर लाते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं।
अब करेंगे डाउनवर्ड डॉग के वेरिएशंस। पहले वेरिएशन के लिए बेसिक डाउनवर्ड डॉग पोज कर लें। और सांस अंदर लेते हुए अपना दायां पैर सीधा ऊपर उठा लें। इस पोज को होल्ड करें। इस वेरिएशन से आपका संतुलन सुधरेगा और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी। अब धीरे धीरे पैर नीचे रख लें और फिर बायां पैर सीधा ऊपर उठा लें। कुछ सांसों तक होल्ड करें और फिर सीधे खड़े हो जाएं। दूसरे वेरिएशन के लिए बेसिक डाउनवर्ड डॉग पोज में आ जाएं। अब पहले की तरह दायां पैर सीधा ऊपर उठा लें। अब दायां घुटना मोड़ते हुए कमर को ट्विस्ट करके दाएं पैर को कुल्हों के पीछे से बाईं ओर ले जाएं। इस पोज को कुछ सांसों तक होल्ड करें। फिर पैर सीधा कर लें और नीचे ले आएं। यही प्रक्रिया बाएं पैर के लिए दोहराएं। इन वेरिएशन से यूट्रस हेल्दी रहता है। आखिरी वेरिएशन के लिए बेसिक डाउनवर्ड डॉग पोज में आ जाएं। अब अपने बाएं हाथ से दायां टखना पकड़ लें। थोड़ी देर होल्ड करें, फिर हाथ शुरुआती पोजीशन पर रख लें। अब दाएं हाथ से बायां टखना पकड़ लें। इस पोज से आपके अंदरूनी अंग स्वस्थ रहते हैं और पाचन तंत्र बेहतर होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। मिलते हैं अगली बार। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं।